मैम, रैंडम बैलेंस शीट के टॉपिक में से हम क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं एक बुक में से, और पुरानी बुक में 43 है जी। पार्टनर्स का नाम है अशोक और किशोर। क्वेश्चन में लिखा है कि उनकी रेशो थी 3:1। दे एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म एसेट्स अदर देन कैश ऑफ 2000। अदर देन कैश मतलब उनके पास कैश है, ये बात पक्की हो गई है 2000 रुपये का। तो हमने सबसे पहले एसेट्स में 2000 कैश लिख दिया है। भाई हमें बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट का कोई भी एसेट कोई भी लाइबिलिटी दे रखी होगी वो हम लिख देंगे बैलेंस शीट में, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। कह रहे जी एसेट्स अदर देन कैश ऑफ 2000 ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000। तो ये एसेट्स रियलाइज हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे बाय कैश करके 1,10,000 रुपये। ठीक है जी, जो कैश 2000 था वो तो हमने लिख दिया। द लाइबिलिटीज एंड अदर पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। कह रहे जी बाकी लाइबिलिटीज और कुछ भी चीज़ें हैं वो साथ में दे रखी हैं। क्रेडिटर्स सबसे पहले दे रखे हैं जी 40,000 के, वो हमने यहाँ लिख दिए क्रेडिटर्स 40,000 रुपये। लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स। अशोक की कैपिटल 1,00,000 रुपये, वो भी लिख देते हैं जी हम। अशोक जी की कैपिटल 1,00,000 रुपये। ठीक है जी, किशोर जी की कैपिटल 10,000, लेकिन साथ में लिखा है डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस मैंने पहले ही देख लिया था, नहीं तो मैं कैपिटल बाहर नहीं लिखता हूँ, आपको मालूम है, अंदर लिख के टोटल करके बाहर ले जाता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे मालूम है किशोर जी की कैपिटल किधर आने वाली है, एसेट साइड आने वाली है। क्यों? किशोर कैपिटल क्यों आ रही है जी इधर? क्योंकि उसके साथ लिखा है डेबिट, और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि चीज़ क्या है, एसेट है। चीज़ क्या है, एसेट है। तो 10,000 रुपये एसेट्स में आ गए जी, किशोर जी की कैपिटल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। पीएनएल अकाउंट अगेन इसके साथ भी डेबिट बैलेंस लिखा है, तो ये भी एसेट साइड आ जाएगा जी। पी एंड एल अकाउंट अगर डेबिट नहीं लिखा होता या क्रेडिट लिखा होता तो जो है ये किधर आता, लायबिलिटीज में। लेकिन अभी तो ये किधर आएगा जी, एसेट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस लिखा है 8,000 रुपये। कह रहे जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, ये तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट में जाने हैं। अब हम इस बैलेंस शीट को बैलेंस करने वाले हैं, और बैलेंस करके बैलेंस शीट को हम बैलेंस निकालेंगे। ये साइड बड़ी है लाइबिलिटी साइड, 1,40,000, 1,40,000, उसमें से इधर का ये टोटल देख रहे हैं 20,000 माइनस कर लिया, तो 1,20,000 बच गया। इसको हम लिखेंगे जी सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे जी बैलेंसिंग फिगर है ये। ठीक है, बस हो गया जी, इतना आसान टॉपिक है जी ये। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट्स यहाँ से कॉपी करने हैं 1,20,000, क्रेडिटर्स कॉपी करने हैं 40,000। देखो पीएनएल तो रियलाइजेशन में कॉपी नहीं होता, कैपिटल कॉपी नहीं होती, कैश कॉपी नहीं होता, ये वाली कैपिटल भी कॉपी नहीं होती है। ठीक है जी, अब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे जी, एसेट्स को रियलाइज उसने लिखा था जी 1,10,000, तो बाय कैश करके 1,10,000, टू कैश करके क्रेडिटर्स लिखे हमने कितने 40,000, और टू कैश करके हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हमें क्वेश्चन में 10,000। बस बैलेंस किया, रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको बनाने आते हैं। आई होप यहां तक टॉपिक मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया है। कोई डाउट है?